हेलो गाइस, ये हमारे थोड़ा बहुत कबूतर हैं। तो अभी हमने इनका खोला नहीं है, चलो खोलते हैं और हम तुम्हें दिखाते हैं। तो गाइस, कबूतर हमारे पहले ऊपर पलते थे, तो ऊपर ही पालेंगे। यहाँ सही नहीं पल रहे हैं, लड़ रहे हैं और यहाँ पेटी भी कम है। तो हम तुम्हें दिखाते हैं कितने बुरे तरीके से मारा है कबूतरों ने, और ऊपर दिखा के लाएंगे उनका दरबा। चलते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं कितने बुरे तरीके से मारा है कबूतरों ने इसे, इसके सारे बाल उखड़ दिए हैं। तो हम इन्हें ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ अच्छे तरीके से नहीं पल रहे हैं कबूतर। अभी मैं ऊपर दिखा के लाऊंगा, पहले इन सबको चुगा लेते हैं। चलो। तो गाइस, कबूतर तो खुल चुके हैं, ये हमने इनके लिए दाना ले लिया है। तो दाना खिलाते हैं और फिर चलते हैं ऊपर, दिखा दो खिलाता हूँ मैं तुम्हें कबूतरों को। घर आह 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 आह। तो गाइस, चलो ऊपर चलते हैं, मैं दिखा के लाता हूँ तुम्हें कबूतरों का घर। और चलो तुम्हें एक एक कबूतर का अंडे हैं वो दिखा देता हूँ, मेरे पास थोड़े से ही कबूतर हैं। तो गाइस, ये हैं अपने थोड़े से कबूतर और एक कबूतरी के अंडे हैं। ये है हरी मादी, इसके दो अंडे हैं छोटे छोटे बहुत प्यारे, ये रहे। और अभी अभी देखा है मैंने, एक कबूतरी ने और अंडा दिया है, ये रहा। ये कलदमी मादीन के अंडे हैं। तो हम चलते हैं ऊपर, दिखा के लाते हैं तुम्हें ऊपर वाला घर इनका कबूतरों का, जो हाँ हम पहले कबूतर पालते थे अपने। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, पहले ये कबूतर हमारे ऊपर ही पलते थे, तो बिल्ली ने जो था गेट तोड़ दिया था, तो इसलिए मैं नीचे ले आया था। तो हम चलते हैं ऊपर, तुम्हें दिखा के लाते हैं दरवे का कैसा है, क्या करना है। तो गाइस, हम ऊपर आ चुके हैं, ये है हमारी छोटी सी छत, और ये पड़ा है देखो कबूतरों के दरबे का गेट, जो कि बिल्कुल टूट चुका है। ये है गेट जो था बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ था, तो ये गल चुका है बारिश में भीग भीग के, तो हमने इसमें टीन उन लगा दी थी। तो गाइस, थंबनेल में तो तुमने देख लिया होगा, मेरे बहुत सारे कबूतर मरे थे, तो वो इसी दरबे में पलते थे। वो बहुत बढ़िया कबूतर थे, उड़ते भी थे, सब चीज़ में बढ़िया कबूतर। वो मेरा मतलब हाथ पर दाना खाते थे, कभी यहाँ बैठ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर जब मारे तो मैंने 6 महीने तक कबूतर नहीं पाले थे। तो आप फिर ज़रा चस्का लगाया कबूतरों का, तो पालेंगे, वो अपना शौक है, शौक नहीं जाता। तो कोई नहीं, आप अपने सपोर्ट के साथ मेरे साथ बने रहना, डेली व्लॉग मिलते रहेंगे तुम्हें ZS कबूतर व्लॉग में। आप जुड़े रहना, आपको रोज़ डेली व्लॉग देखने मिलते रहेंगे। तो आप मेरे सपोर्ट में रहना, आप सपोर्ट में रहोगे तो इंशाल्लाह सब काम बढ़िया करा लेंगे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंदर से दरवा कैसा दिखता है कबूतरों का घर, मतलब चलो आओ दिखाता हूँ। तो गाइस, ये रखा है इनका घर। तो ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, अपने पैसे जमा कर कर, कम से कम मेरा एक हेयर में तो यही निपटा था। ये मैंने बिल्कुल मेहनत से बनाया है, और ये चादर आई थी मोल टीने। तो ये हमारी तीन खाना वाली पेटी है, यहाँ रहते थे कबूतर, यहाँ बहुत सारे अंडे बच्चे होते थे कबूतरों के, उड़ते भी थे कबूतर। मगर उस बिल्ली ने ऐसा करा कि हमारे कबूतर ही नहीं बचे, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसा ऊपर वाला चाहे, कोई नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ देखो कितना कचरा फैला रखा है, ये सब हटाएंगे और गेट उट लगाएंगे लोहे का नया। जब तक ये देखो, हमारी तरफ खेती बाड़ी होती रहती है, देखो कितनी प्यारा व्यू आ रहा है। ये जंगल है हमारे घर पीछे सारा, ये हमारा घर है और ये सारा पीछे जंगल ही जंगल है, हमारा जंगल में आकर घर है। तो गाइस, ये कबाड़ा हटाएंगे और कबूतरों को ऊपर लाएंगे। तो हम गेट का सोचते हैं, गेट का क्या करना है, फिर चलते हैं नीचे, देखते हैं, बुला के लाएंगे यहाँ गेट का, वो नाप लेके आएंगे साइज़, और वो बता जाएंगे कितने का है कितना नहीं। तो देखते हैं, हमारे बजट से ऊपर होगा तो नहीं कराएंगे, यही लगाना ही पड़ेगा। अगर बजट में होगा हमारे तो देखते हैं। तो चलो चलते हैं नीचे। गाइस, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, मेरे कबूतर जो थे 2-3 ही थे, और बाकी जितने भी हैं नीचे वो मैंने सारे पकड़े हैं। तो वो जो थे मैं यहाँ नहीं पालता था, नीचे ही पलते थे। तो वो कुछ कबूतर पता नहीं कहाँ से आए, 2 जोड़े, वो खुद ही हमारे घर में आकर रहने लगे। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन कौन सा है उनमें पकड़ा हुआ और कौन सा है घर का। तो गाइस, चलो चलते हैं, मेरा एक ही फेवरेट कबूतर है, वो है हरा गर्रा। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ सही तरीके से। ये मैं मोल लाया था, और ये उसी का ही अंडा है ये जो है, और उसने अभी तक 2 जोड़ी बच्चे निकाले हैं। और ये हमने वाइट नर पकड़ा था, और एक ये है कलदमा, ये नर पकड़ा हुआ है, और एक वो रहा अम्बसरा कबूतर, और एक ये रहा काला छपका कबूतर, ये 4 पकड़े थे हमने। तो गाइस, ये हैं हमारे 6 खाने इधर हैं, और 3 ये हैं, 9 खाने हैं। मगर इधर से बिल्ली ने एक कबूतर को मार दिया था, ये पूरा अलग है पटला, देख सकते हैं आप, ये पूरा अलग है। तो बिल्ली ने मार दिया था, तो मैंने इस खाने में बंद कर दिया है, कबूतर को बंद नहीं करता हूँ मैं। तो मुझे इसमें 6 कबूतर बंद करने होते हैं ऊपर वाली में, तो इसलिए मुझे ऊपर लेके आने होंगे कबूतर। तो आओ चलते हैं बाहर, दिखा के लाते हैं बाहर क्या सीन है। चलो चलते हैं, मैं घर का अंदर आ चुका हूँ, तो अभी चलते हैं बाहर और
और दिखा के लाते हैं तुम्हें बाहर का नज़ारा। तो गाइस मैंने शर्ट उतार के टी शर्ट पहनी है और घर खाना बनेगा, तो उसके लिए खाने का तेल लेने आना है, तो हम लेकर आते हैं और हम तुम्हें ले कर आएँगे दुकान पर और दिखाएँगे कैसे करते हैं हम उसको। तो गाइस दुकान पर आ चुके हैं तो लेते हैं और घर चलते हैं वापस, फिर हम उसका गेट का इंतजाम करेंगे। आधी किलो तेल कर दो। तो सामान तो हो चुका है हमारा, पैसे देते हैं और चलते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, हमारा सब्सक्राइबर पहले ही आ गया हमसे मिलने, तो अब चलते हैं घर की तरफ। हमारा दोस्त आ चुका है, ये बहुत छोटा है अभी, हाइट नहीं बढ़ के दे रही है भाई की। कमेंट में बताना क्या करें इसके ताकि हम हाइट बढ़ाने के लिए। 10 साल का हो चुका है मगर हाइट अभी नीचे ही है इसकी। तो गाइस ये है हमारे पप्पू भाई, रास्ते में मिले हमें, ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं वीडियो के ताकि। और ये हमारे छोटे साहब हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, इन्हें आगे बढ़ाएं। पप्पू भाई की बात सुनकर आपको अच्छा लगे तो मान लेना, बाकी आपकी मर्जी। आ चुका हूँ मैं घर, मैं दिखाता हूँ जो मेरा फेवरेट कबूतर है। तो गाइस ये रहा हमारा फेवरेट कबूतर, इसके ही अंडे हैं। तो गाइस ये दूसरे जोड़े के बच्चे हैं उसी के नर के जो मैं बता रहा था अभी। तो गाइस ये भी अंदर आ चुका है, कबूतर ने दाना खा लिया है। और ये है हमने पकड़ा था लास्ट कबूतर, ये है पकड़ा हुआ हमारा। तो गाइस हमारे घर में मुर्गी से लेकर भैंसियों तक सब जानवर पलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो गाइस ये रही हमारी मुर्गी, एक उधर है मुर्गा, ये है हमारे घर में गाय भैंस, ये है इधर और इधर भी अंदर के लिए खाने के लिए ये प्राली इकट्ठा हुआ है। तो गाइस ये है हमारा छोटा सा मुर्गी फार्म, दाना पानी इन्होंने खत्म कर दिया है तो इनके लिए रखना पड़ेगा। लो सानी भाई उधर उठा के रखो, ये हमारे मुर्गे मुर्गी। तो गाइस ये है दाना मुर्गी के बच्चों के लिए, तो हम इसमें डालते हैं और इन्हें खिलाते हैं। तो गाइस इन तीनों में तो हमने भर दिया है, अब चलते हैं पानी लेने, फिर हम ये अंदर रखेंगे सब चीज़ें। तो गाइस अब पानी भर के रखना है, फिर हम इधर खाली हो जाएंगे, फिर चलेंगे बाहर घूमने। तो चलते हैं और पानी रखते हैं। गाइस हमने ये मुर्गी के बच्चों का तो सारा काम कर दिया है, तो हम तुम्हें बाहर दिखा के लाते हैं, पहले चलते हैं घर के अंदर। आओ हैं अपने दोस्त के घर, हम तुम्हें इनके कबूतर दिखाते हैं। तो गाइस ये है मकवा की चीनी कबूतरी, बढ़िया कबूतरी है ये। गाइस ये उसका नर है, मकवा का चीना कबूतर है ये, बहुत बढ़िया है, इसके 8,000 रुपये लग चुके हैं। तो गाइस मैंने तुम्हें इनके भी कबूतर दिखा दिया, अब हम शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं हम। तो अभी देखते हैं कितनी देर में आता है हमारा साथी, अभी तक तो आया नहीं है हमारा यार, एक यही है ये छोटा डोन, तो अब देखो कितनी देर में आता है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं बाहर घूमने के लिए, दुकान पर जाना है मुझे, थोड़ा कुछ सामान है वो और लाना है, मैं भूल गया था उस टाइम, चलो चलते हैं वो लेकर आते हैं। तो गाइस हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं मगर हमारा दोस्त नहीं आ पाया, वो कहीं काम में फंस गया, तो हम व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।